नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सीधे रुख करेंगे इस वक्त उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनते हैं। समाजवादी पार्टी परेशान है कि वे कर नहीं पाए, ये पैसा कहां से आ रहा है। तो भाइयों बहनों, मैंने तो उनसे एक बात कही, मैंने कहा विकास तुम्हारा कभी एजेंडा था ही नहीं, तुम विकास कैसे कराते। गरीब का पैसा, राशन का पैसा, मेडिकल कॉलेज का पैसा, सड़क का पैसा, बिजली का पैसा तो इनका इत्र वाला मित्र बेकार जाता था, तो विकास क्या करेंगे। तो सपा मुखिया किए, नहीं हमने ही विकास किया। मैंने कहा कौन सा विकास, उन्होंने कहा देखिए मुझे और याद नहीं लेकिन एक याद है। मैंने कहा क्या याद है, कहा कि हमने तो कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाई है। वे सच कह रहे थे। क्या किया था उन्होंने, कब्रिस्तान की बाउंड्री और भारतीय जनता पार्टी मेडिकल कॉलेज भी बना रही है, एक्सप्रेस हाईवे भी दे रही है, हाईवे भी दे रही है, बिजली भी दे रही है, फ्री में वैक्सीन भी दे रही है, फ्री में उपचार भी करा रही है, मेडिकल कॉलेज भी बना रही है और हर धाम के विकास के लिए भी पर्याप्त धनराशि भी उपलब्ध करा रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारी सरकार एक हाथ पे विकास की छड़ी लेकर के चलती है, दूसरे हाथ पे बुलडोजर का लेबर भी संचालित करती है। सरकार के कार्य से खुश है, ये माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन की कार्रवाई ऐसे चलनी चाहिए ना, सभी लोग सहमत हैं, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना करके भेजेंगे, कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे, सभी लोग सहमत हैं, आश्वस्त होकर के जाओ। 10 मार्च के बाद मैं अपने ऑपरेशन की तैयारी करूं पूरी तैयारी के साथ, तो पहला काम आपका क्या होगा, पहले मतदान फिर जलपान, पहला मतदान। सभी लोग सहमत हैं, भारी संख्या में मतदान करेंगे, भारी बहुमत से बीजेपी को जिता करके भेजेंगे। तो मैं आश्वस्त होता हूँ, आप मेरे साथ बोलेंगे दोनों हाथ पकड़ करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने कहा कि यूपी में अब बमबाजी नहीं होती, अब कांवड़ यात्रा निकलती है, अब कर्फ्यू नहीं लगता है, यूपी में बोल बम की गूंज सुनाई देती है। साथ ही वहां जो जनता मौजूद थी उससे पहले मतदान फिर खानपान का नारा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगवाया और साथ ही सीएम ने कहा कि 2017 से पहले आप त्योहार नहीं मना पाते थे और आज हर त्योहार शांति के साथ मनता है। और इसी के साथ में समाजवादी पार्टी पर भी सीधे तौर पर हमलावर होते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा सपा सरकार में गुंडई चरम पर थी। सीएम ने कहा कि हमने गुंडों माफियाओं को शांत कर दिया है। तो फर्रुखाबाद में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद है और जनता को संबोधित करते हुए सुनाई दिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। एटा में भी गरजे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एटा क्रांतिकारियों की भूमि है, ऐसा कहना है सीएम योगी का। उन्होंने कहा कि सपा की संवेदना माफियाओं के साथ है, हमने यूपी के माफिया मुक्त बनाया है। 2017 के बाद माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चला है, माफियाओं पर बुलडोजर चलता रहेगा। एटा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, सपा बसपा कांग्रेस के मन में गरीबों के लिए संवेदना नहीं थी। तमाम बातें कहते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एटा में भी जनसभा को संबोधित किया और सपा पर और बाकी पार्टियों पर हमलावर होते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज यही तो मैं कहने के लिए आया हूं, मैं यही कहने के लिए आया हूं, सपा रही हो या बसपा, कांग्रेस हो या फिर अन्य वे दल जो दलदल में धंसे हुए हैं, इनके मन में गरीब के लिए संवेदना नहीं थी,
किसान के लिए संवेदना नहीं थी। एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए उद्यमियों के लिए संवेदना नहीं थी। बेटी की सुरक्षा के लिए इनके मन में संवेदना नहीं थी। इनकी संवेदना तो पेशेवर माफिया और अपराधियों के प्रति थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? वाह जी, आपका मैं अभिनंदन करता हूं, आपने सबने वैक्सीन ले ली है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने इन दोनों विधायकों को जिन्होंने वैक्सीन लेने के लिए सभी लोगों को प्रेरित किया। इनकी सरकार है डबल डोज राशन की महीने में फ्री में व्यवस्था। चुनाव आएंगे जाएंगे लेकिन सुरक्षा का माहौल मिलना चाहिए। हर गरीब को, हर नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए। हर गरीब के चेहरे पर खुशहाली झलकनी चाहिए। हर नौजवान को रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए। हर अन्नदाता किसान का सम्मान होना चाहिए। हर बेटी और हर व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, इसके लिए मैं आपके पास आया हूं आपसे अपील करने के लिए। और ये बिजली आती थी क्या? पिछली सरकारों ने तो इस पूरे क्षेत्र को डार्क जोन बना दिया था। डार्क जोन इसलिए जिससे अन्नदाता किसान तबाह हो सके। ठाकुर भानु प्रताप सिंह जैसे किसान हार मान करके थक करके घर बैठ जाए, इसलिए डार्क जोन घोषित कर दिया था। और इसी बीच बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां पर 21 फरवरी को रैली करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राजधानी में रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन केजरीवाल करते हुए नजर आएंगे। लखनऊ में चौथे चरण में यानी कि 23 फरवरी को मतदान होना है और प्रचार के आखिरी दिन यानी कि 21 फरवरी को वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, रोड शो करेंगे और कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाते हुए नजर आएंगे रोड शो के जरिए। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, प्रचार के आखिरी दिन लखनऊ में गरजेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो 21 फरवरी को रैली करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। राजधानी में रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे। और लखनऊ की से अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। राजेश्वर सिंह लगातार ताबड़तोड़ डोर टू डोर प्रचार जारी है। सरोजनी नगर के हरोनी में राजेश्वर ने जनसंपर्क किया, जहां 12 साल की नौकरी छोड़ जनसेवा में आए हो, ऐसा कहना है राजेश्वर सिंह का। उन्होंने कहा कि बड़ी इच्छा, बहुत संकल्प लेकर आया हूं, हर युवा माता बेटी के चेहरे पर खुशी देखनी है। मेरे घर में बेटियां बहनें आईपीएस हैं, मेरी इच्छा है यहां की बेटियां भी आईपीएस आईएएस बने। मैं लखनऊ में पैदा हुआ, यही पढ़ाई की नौकरी की, मैंने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की, मैंने शातिर माफियाओं को जेल भिजवाया। तो ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए हैं राजेश्वर सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरोजनी नगर से प्रत्याशी हैं, चुनावी मैदान में हैं और अब लगातार डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं राजेश्वर सिंह। तो ये तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में 23 फरवरी को मतदान होना है और 21 फरवरी को आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। कर्नाटक से उठे हिजाब विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से अब ट्वीट किया गया है। बड़ी जानकारी आपको, और इस ट्वीट में असदुद्दीन ने लिखा है कि एक दिन हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी, मैं जिंदा रहूं ना रहूं हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी ने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो भी ट्वीट किया है, इंशाल्लाह एक दिन हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी ये, और साथ ही ये ट्वीट किया गया है असदुद्दीन ओवैसी के ट्विटर हैंडल से। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला, अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता है देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे,
डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर कुलदीप मलिक, ये वो नाम है जो आज के युग में खोती हरियाली को वापस लाने के लिए निकल पड़ा है। आज ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क डीसीपी ऑफिस के सामने डॉक्टर कुलदीप मलिक ने 25 नए पौधे लगाए और लोगों को जागरूक होने की भी अपील की। ये पहली बार नहीं है कि डॉक्टर कुलदीप मलिक पौधारोपण कर रहे हैं। इससे पहले भी 2000 से भी ज्यादा नीम, बरगद और पीपल के पौधे नॉलेज पार्क में लगाए जा चुके हैं। पौधारोपण को लेकर डॉक्टर कुलदीप मलिक का लगाव इतना है कि वो हर दिन अपनी गाड़ी में पानी के डिब्बे भर कर रखते हैं और खुद के द्वारा लगाए गए पौधों को पानी देने के लिए निकल पड़ते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए डॉक्टर कुलदीप मलिक साइकिल का इस्तेमाल करते हैं और योग का फ्री कैंप लगाकर पर्यावरण के प्रति हर संभव कोशिश करते हैं। साथ ही बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए 2 child policy लागू कराने के लिए भी अभियान उन्होंने चलाया है। कुलदीप मलिक बताते हैं कि उन्होंने पौधे लगाने की शुरुआत साल 2012 में की थी। जब यहां शिफ्ट हुए थे तो हरियाली गायब होने लगी थी, ऐसे में वो अपनी कार में पौधे और पावर रखकर पौधारोपण करने निकल जाते थे। बाद में उन्हें पानी देने का काम भी खुद करते थे। अब तक 2000 से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं मलिक, और इस काम में उनका सहयोग उनके परिचित और कॉलेज के स्टूडेंट भी कर रहे हैं। पौधों को पानी देने के लिए अपनी कार की डिग्गी में दूध होने के काम आने वाले डिब्बों में पानी भरकर घर से निकल पड़ते हैं, और इसके लिए उन्होंने 16 डिब्बे भी खरीदे हैं। ग्रेटर नोएडा के B2 में रहने वाले डॉक्टर कुलदीप मलिक ITS इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं, लिहाजा अब उनमें पानी देने के लिए टैंकर की भी जरूरत है। इसके लिए वो कुछ लोगों की मदद भी मांग रहे हैं। डॉक्टर कुलदीप मौजूद हैं जो ITS कॉलेज के इंजीनियरिंग प्रोफेसर भी आई हैं। इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ ये नया करते हैं, क्योंकि जो भी हमने सुना या देखा है ये है कि ये लगातार पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अपने पौधे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम और आपका परिचय जानना। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप मलिक है और मैं यहीं सामने ITS इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर कंप्यूटर विभाग में जो है मैं प्रोफेसर हूँ। और हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर 4 मुद्दों को लेकर काम कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। जहाँ तक पर्यावरण की बात है, आज पूरे देश में सांस लेने के लिए हवा नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं, कहीं ना कहीं पर्यावरण के विषय में हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा। और जहाँ तक मेरी जागरूकता की बात है, मेरे बच्चों की जागरूकता की बात है, हम ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में अब तक पता नहीं कितने हजारों की संख्या में पेड़ लगा चुके। और आज अपने इसी पौधारोपण अभियान के तहत, चूँकि हम पूरे साल के अंदर एक मिशन मानसून पौधारोपण करते हैं, दूसरा शरद मानसून पौधारोपण करते हैं, तो आज शरद मानसून पौधारोपण का अंतिम दिन है, यानी आज समापन है। और हम बरगद के पेड़ लगा रहे हैं। नॉलेज पार्क में आप जिधर भी जाएंगे आपको बरगद के लहराते हुए पेड़ नजर आएंगे। और इन सब का श्रेय मेरे छात्रों को, प्रिय छात्रों को, मेरे साथ के जो कुलीग है उनको और जो मेरे वैल विसर है सभी को जाता है। सर, कौन कौन से पौधे आप लगाते हैं? मैडम, जहाँ तक पौधों की बात है, पौधे केवल हम बरगद, नीम और पीपल, 3 किस्म के हम पौधे लगाते हैं। क्योंकि ये जो पौधे हैं ये कहीं ना कहीं वातावरण को ज्यादा शुभ करने का काम करते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन ये वातावरण को देते हैं। आज हम KCC गोल चक्कर पर मौजूद हैं, यहाँ पर आज आपने कितने पौधे लगाए हैं? अभी फिलहाल आज हम यहाँ पे करीब 10 पौधे लगा चुके हैं और 15 पौधे और लगाएंगे, 25 पौधे हम बरगद के लगाएंगे। और मैं ये कह रहा कि पौधे लगाना ही एकमात्र सोल्यूशन नहीं है, एक पौधे की रक्षा के लिए आपको जैसे आप बच्चों की केयर करते हैं उतनी केयर आपको एक पौधे की करनी पड़ती है। तो आज तक कई सालों से हम पौधे लगा रहे, जितने पौधे लगाए सारे के सारे पौधे आपको जो है लहराते हुए नजर आएंगे। और जो आप पौधे लगा लेते हैं तो इनकी सिंचाई आप कैसे कर पाते हैं? क्या बहुत सारी टीम आपके साथ जुड़ी है, क्योंकि अलग अलग जाना आपके लिए बहुत मुश्किल है? हाँ, देखिए मैडम, ये तो एक बहुत ही गंभीर और आप लोगों के लिए भी शोध का विषय है कि भाई ये इतने पौधे कैसे, इनमें पानी की व्यवस्था की जाती होगी, कैसे इनको जो है नुलाई की व्यवस्था की जाती होगी। इन सब कामों में मेरे साथ में मेरे प्रिय छात्र है और मेरे ये विद्यालय के 2 माली आपको पीछे नजर आ रहे, रविवार वाले दिन ये दोनों मेरे विद्यालय के माली भी मेरे साथ में जो है मेरा भरपूर साथ देते हैं। और ये तो प्रभु की इच्छा शक्ति है, प्रभु हमें ऐसी शक्ति दे रहा, प्रभु हमें ऐसी शक्ति देते रहे और हम ऐसा ही काम करते रहेंगे देश के लिए, समाज के लिए। कोई फाउंडेशन है आपकी जो इस पे काम कर रही है कि बहुत सारे लोग आपके साथ इससे जुड़े हैं? जी, फाउंडेशन है, मेरी फाउंडेशन का नाम वेदारनाथ फाउंडेशन के नाम से मेरी एक संस्था है जिसके तहत हम ये सारा काम करते हैं। और जहाँ तक लोगों का जुड़ाव का की बात है जी, वो तो आप कुछ भी सोशल काम करेंगे, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि चला था अकेले और कारवा जुड़ता गया, ये तो सब लोग जुड़ते रहते हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं इन सब के पीछे जो प्रयास है वो मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ भी अमेठी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, मेरे मम्मी पिताजी भी शिक्षक के तौर पे इस देश को अपनी सेवाएं दे चुके हैं, तो भाई फैमिली का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज रविवार का दिन है, मेरे ख्याल से इस नॉलेज पार्क के अंदर जितने भी शिक्षक हैं सभी अपनी फैमिली के साथ अपना समय बिता रहे होंगे, लेकिन मैं अपने छात्रों के साथ यहाँ नॉलेज पार्क में आपको पौधारोपण करता हुआ नजर आया। और मैं तो धन्यवाद दे रहा आप जैसे मीडिया कर्मियों का कि कम से कम कोई तो है जो देख रहा कि इस तरीके का काम हो रहा, अदरवाइज ना कोई देखने वाला ना कोई सुनने वाला। और मैं आपको बताऊं ये काम हमारा तो है ही है, लेकिन साथ साथ में ये काम ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का है, लेकिन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का क्या रोल है, सॉरी आई कांट से एनीथिंग। अभी हम डीसीपी ऑफिस के सामने मौजूद हैं, जो नॉलेज पार्क आपके बिल्कुल पीछे है, बिल्कुल सामने आप इसके काम कर रहे हैं। जब हम यहाँ से गुजरे तो हमने सोचा कि अथॉरिटी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है। आपने बताया कि केसीसी गोल चक्कर पर आपने काफी पौधे लगा दिए हैं, तो क्या अथॉरिटी इसके लिए जागरूक नहीं होती कि आम जनता आके इस काम को कर रही है, तो अथॉरिटी को ये काम करना चाहिए? देखिए मैडम, यहाँ मैं अथॉरिटी के विषय में बहुत कुछ बातें नहीं कहना चाहता, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं अथॉरिटी के अधिकारियों से ये निवेदन करता हूँ कि भाई आप तो जो पौधारोपण का काम कर रहे वो तो कर ही रहे, आप क्या कर रहे, अगर आप करते तो शायद हमें आगे ना आना पड़ता। लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं ग्रेटर नोएडा और नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों से ये निवेदन करता हूँ कि आप हमारा सपोर्ट करें, आप हमारा सहयोग करें। अरे कम से कम हम पौधे लगा रहे, बस अथॉरिटी का इतना रोल इनके अंदर है कि इन अथॉरिटी के जो ट्री गार्ड हमने लगा रखे, ये ट्री गार्ड जगह जगह पेड़ सूख गए वहां से उठा के ये गाड़ी खड़ी, इस गाड़ी में हम ट्री गार्ड को भर के लाते हैं। अदरवाइज इनकी सिंचाई का व्यवस्था, मैं कई बार अथॉरिटी के अधिकारियों से बात कर चुका हूं, कम से कम जब हम पौधे लगा रहे हैं, अब गर्मियों का सीजन शुरू हो जाएगा, हर पौधे को सप्ताह में कम से कम दो बार पानी डालना पड़ेगा, तो मैं तो खुद अपनी गाड़ी में, ये गाड़ी मेरी खड़ी, इसमें 10-15 डब्बे में लेकर चलता हूं, ये तो पानी अब सबको पता। तो मैं तो निवेदन करता हूं अथॉरिटी के अधिकारियों से कि कम से कम वे सबसे पहले यहां पर आए, देखे किस तरीके का पौधारोपण। देखिए ये थे हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप मलिक, जो लगातार अगर नॉलेज पार्क की बात करें तो यहाँ पर लगातार पौधे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, हजारों की संख्या में ये पौधे लगा चुके हैं। इनकी एक फाउंडेशन है, विदर्ण फाउंडेशन, जिस पर ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही इनका कहना है कि सभी को जागरूक होकर आगे आना चाहिए, क्योंकि हरियाली हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूज वन इंडिया से मैं प्रिया राणा। वहीं झांसी में बीजेपी के प्रचार प्रसार करने के दौरान दबंगों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद इसकी शिकायत पुलिस से की गई। बताया जा रहा है कि कुम्हार ग्राम के लला कुशवाहा अपने घर पर बैठा हुआ था, और तभी गांव के आकाश यादव आए और उसे कहने लगे कि तुम बीजेपी का प्रचार कर रहे हो, बीजेपी का प्रचार किया तो तुम्हें जान से मार देंगे, और उसकी इसी बात पर लात घूसों से जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल पीड़ित द्वारा दिए गए शिकायती पत्रों के आधार पर पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। कुशवाहा कुमलार की रहने वाली, हम घर बैठी थी, आकाश यादव आई, बोली तुम भाजपा का प्रचार करने जाती है, बस लाते घूसा देव चालू, दारू पिए थे। फिर क्या किया? बस हमने कुछ नहीं किया, भाग गए हैं, बोले जान से मार देंगे आपको मैं तुम्हें। वही पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान इस वक्त सामने आया, उन्होंने कहा कि फर्रुखाबाद वालों, टाइगर अभी जिंदा है जो आपके लिए जान दे सकता है। फर्रुखाबाद में नुक्कड़ सभा में आया सलमान खुर्शीद का यह बयान, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फर्रुखाबाद वालों, टाइगर अभी जिंदा है जो आपके लिए जान दे सकता है, यह बयान आया है इस वक्त सलमान खुर्शीद का। तो फर्रुखाबाद में नुक्कड़ सभा आयोजित की गई, जहां पर पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद पहुंचे और बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है जो आपके लिए अपनी जान तक दे सकता है, और इस दौरान क्या कुछ कहा आइए सुनते हैं। आपसे हाथ जोड़कर यही इल्तिजा करनी है कि लोग आए मेरे पास और मुझसे फर्रुखाबाद के वोटों का क्या करें, फर्रुखाबाद के वोटों का हिसाब ना ले, बल्कि फर्रुखाबाद वोटों का आकर सौदा करना चाहें, तो मैं सिर्फ एक ही बात करता हूं, अब मैं सौदा करूं तो कैसे करूं, मैं तो दिल ले चुका हूं, जब दिल नहीं होगा तो मैं किस काम आऊंगा तुम्हारे सौदे के। और वही अगली खबर चंदौली से, जहां जिले के मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र में एक छेड़खानी का मामला सामने आया, जहां एक एनसीसी ट्रेनर ने एक छात्रा के साथ छेड़खानी की। पीड़िता के अनुसार ट्रेनर ने पहली बार छेड़खानी लगभग दो हफ्ते पहले का बीएचयू में फायरिंग ट्रेनिंग के दौरान की थी। मामले में एनसीसी की छात्रा ने एनसीसी के अधिकारियों से इस पूरे मामले की शिकायत की है, और वहीं सूचना के बाद मौके पर मुगलसराय पुलिस भी पहुंच गई है और इस पूरे मामले की जांच अब की जा रही है।
एप्लीकेशन दे दी हूँ और बात एप्लीकेशन के बाद बोले हैं कि आपको न्याय मिलेगा, आप घबराइए मत। और जो जसपाल सिंह है, मैं गई थी बेचू में, तो मैं फायरिंग करने के लिए गई थी, तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी किया। फायरिंग सिखाते वक्त मेरा चेस्ट पकड़ा और मैं रोती हुई अपने रूम पे आई। फिर 15 दिन के बाद मुझे कॉल किया। कॉल करने के बाद मुझे धमका रहा था कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी, तुम मुझे मिलने के लिए नहीं आओगी, तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगी तो तेरे को फेल कर दूंगा, क्वेश्चन ही बताऊंगा, पेपर में बैठने नहीं दूंगा। एप्लीकेशन दे दी हूँ और लोकप्रिय जनप्रिय विधायिका का लटका के टिकट काटना चंदौली की जनता को आहत किया। आज जनता अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है, जीती जीता इस सीट पे हर यहाँ का षड्यंत्र रचते हुए ऐसे प्रत्याशी को जो टिकट दिया गया है जिसको कि विधानसभा की 74 तक पता नहीं है, न बूथ कार्यकर्ता का मालूम है, न बूथ एजेंट के बारे में मालूम। और वहीं एटा में एक मां ने मां की ममता को शर्मसार कर दिया। दरअसल एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद महिला ने नवजात बच्चे को एक पुलिया के पास छोड़कर फरार हो गई। लापरवाह मां की वजह से नवजात बच्चे की मौत हो गई है। वही चंदौली से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी घोषित करते ही विरोध शुरू हो गया है। साधना सिंह का टिकट काटने से समर्थक नाराज हुए और समर्थकों ने सांसद और केंद्रीय मंत्री का पुतला भी फूंका है। मुगलसराय से रमेश जायसवाल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर अब विरोध कहीं ना कहीं सामने नजर आ रहा है चंदौली में। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, साधना सिंह का टिकट कटने से समर्थक नाराज हुए हैं। ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी घोषित करते हुए ही विरोध कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। और अगली खबर अमरोहा से, जहां पर बसपा प्रत्याशी नावेद अयाज पर जानलेवा हमला हुआ है। आपको बता दें कि अज्ञात बदमाशों ने कार पर फायरिंग करके मौके से फरार हो गए। फॉर्चुनर कार के बोनट पर लगी गोली के छर्रे और क्षेत्र से लौटते वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया। अमरोहा नगर कोतवाली बिजनौर रोड का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में